वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, सीमैट एग्जामिनेशन के जीके सेक्शन को लेके मुझे बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट तो इतने नहीं आते, लेकिन क्या, हाँ, मुझे पर्सनल टेक्स्ट बहुत आए स्टूडेंट्स के कि सर आप जीके के ऊपर बताइए कि सीमैट की जीके की प्रिपरेशन कैसे की जाए। नाउ गाइस, समझो ये बात कि दो टाइप का जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, दो चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। जनरल अवेयरनेस मतलब ये होता है करंट अफेयर्स, मतलब जो पिछले 9 महीने से 1 साल में हुआ है उसको हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस, कि कोई नया मिनिस्टर हो गया, कोई नया प्रोग्राम आ गया, गवर्नमेंट ने कुछ नया कर दिया, वैसा कुछ उसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज होता है जो 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 आपका स्टेबल है, इंडिया कब आज़ाद हुआ, कब G20 ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसका फॉर्मेशन हुआ, लास्ट टाइम इंडिया G20 का मेंबर था, अगर था तो कब था, जो चीज़ें बदलती नहीं है, जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है जो बदलती नहीं है उसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज, और जो चीज़ें अक्सर बदलती रहती हैं हम उसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस। अब गाइस, सीमैट एग्जामिनेशन में पिछले कई सालों का जो ट्रेंड देखा गया है, मोर देन 95% जो क्वेश्चंस है वो आपके आते हैं जनरल नॉलेज पे, यानी कि जो पिछले इतिहास में हुआ है, हिस्ट्री में जो हुआ है, जो चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चंस आर मोस्टली आस्क्ड ऑन दोज टॉपिक्स। अब सवाल ये आता है कि उसको पढ़ने का तरीका कैसा है। बहुत ही सिंपल तरीका है, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का जीके आपके यूपीएससी एमपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम जैसा नहीं है, जिसके लिए आपको बहुत सारा डेटा पढ़ना है। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, अब उस चीज़ का नाम है, आपको एक पतली सी छोटी सी किताब खरीदनी है अरिहंत पब्लिकेशन की, जो 30 से 40 रुपए की मार्केट से मिलती है, बहुत सिंपल सी किताब है, और उसके अंदर टॉपिक वाइज जीके दिया रहता है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, नोबेल प्राइजेस विनर्स से लेके लॉन्गेस्ट रिवर, लाइटेस्ट मेटल, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। सीमैट एग्जामिनेशन में 95% क्वेश्चंस इन टॉपिक के ऊपर आते हैं, सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस। और गाइस, जीके की पढ़ने की तो जो तकनीक है वो एक बहुत ही सिंपल चीज है, लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं ना कोई नॉवल, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। व्हाई? बिकॉज एग्जाम में ऑप्शंस देख के आंसर क्लिक होगा, आपको सिर्फ वो टॉपिक एक बार पढ़ना है, और अपने आप से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं लगानी कि आपको याद रहे, क्योंकि याद वैसे भी नहीं रहेगा, बहुत सारा डेटा है। आपको क्या लेना देना कि औरंगजेब कौन से बर्तन में खाना खाता था, सिर्फ इन पर पढ़ लो, क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस देख के ट्रस्ट मी आंसर क्लिक होगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो योर गट फीलिंग, जस्ट गो थ्रू द डेटा वंस। That's it guys, just like always, we always make simple, short, crisp videos up to the point. Kuch bhi doubt rahega, please get in touch with us. I will share the contact details in the description box. Thank you and stay blessed.